Hi guys, so today I'm going to show you all how to make skin whitening foaming bleach at home. So उसके लिए हमें चाहिए white portion of one egg, एक हमें चाहिए नींबू का, एक नींबू चाहिए, उसका रस निकाल लो. Then pinch of baking powder or baking soda, एक चम्मच honey and एक चम्मच corn flour. So let's start. सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी एग. देन आप इसमें डालेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर. देन मैं इसमें ऐड करूंगी वन स्पून हनी. इसे आप मिक्स कर लें. देन वी हैव टू ऐड लेमन जूस. ये हम ब्लीच बना रहे हैं घर पे, जिनकी भी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, ब्लैक पड़ गई है स्किन, टैनिंग है, ये उनके लिए है. और इसमें हम पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे. इसको अच्छे से मिक्स करो. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, चाहे आपका फेस है, आप इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं और हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं. इसकी एक लेयर अप्लाई करें 5 to 10 मिनट्स के बाद. जैसे ही वो लेयर ड्राई हो जाए देन आपको एक और कोट करना है. इसको ये पूरा लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ दें. जब ये सूख जाए इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगाएं इस तरह से. देन इसे 15 मिनट्स के बाद क्लीन कर दें. आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हैं, इससे आपके ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, स्किन लाइट करेगा. ये स्किन वाइटनिंग फोमिंग ब्लीच है ये. होप इट वर्क गाइस. सो टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो.